मालिक ने जलाया। एक एक बार अपना नाम फिर से बताएं आप। सूबेदार सिंह, वैसे बर्मा लोग जानते हैं सर जी। सूबेदार सिंह वर्मा, ऐसा पूरा लिख देते हैं, ठीक है। और आप जी जय गुरुदेव जी के जूटधारी समर्थक हैं? जी सर, हम ये हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तभी मालिक के दरबार में गए थे। जी अच्छा, तो आप जूट भी धारण करते हैं? सर, हाँ जी सर, ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको एक खुशी की बात बता दूं जी सर बोले। कि अब जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी युग परिवर्तन वाली जो है वो लगभग उतरने वाली है। जी, हाँ और देखिए, नशा मुक्त और शाकाहारी होना तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, राइट? जी, ये मुख्य प्राइमरी स्तर है सर। प्राइमरी स्तर है, मुख्य काम जो है व्यवस्था परिवर्तन। तो हमें जी अपने गुरु भाइयों को जगाना होगा जी जी और उनको जो है, जो ऐप है उस ऐप के माध्यम से, क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जोड़ना होगा। जी और आपको जो है मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप पहले तो खुद जुड़ जाइए, ठीक है ना? जी दूसरा, हम आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की भी लिंक भेजेंगे, तो आप ये जी बात अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जो भी भविष्यवाणियां जय गुरुदेव जी ने की हुई हैं वो जी आश्चर्यजनक रूप से वहां विराजित हैं। इस बात की मुझे भी जी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो जी बहुत बाद में जो है जय गुरुदेव जी के बारे में, जब आपके अशोक शर्मा जी ने मुझे पहचाना और उनका फोन आया, तब मुझे मालूम पड़ा, ठीक है ना? तो हमें इसमें व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, और व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम फिर नियम कानून बदल पाएंगे। आज जी हमारे जी दुष्ट दुष्ट राजनेताओं ने अपने ही देशवासियों के ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं जो जी अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। जी वही तो पूरा आई है। और आप ये देखिए कि जो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को भारतीयों के उत्पीड़ित करने के लिए उपयोग करने के करके जो उन्होंने इतने वर्षों तक अपनी व्यवस्था की है, वही प्रशासनिक व्यवस्था जो कि अपारदर्शी भी है, लाटसावी भी है, क्रूर भी है और कई बार भ्रष्ट भी है, और वो इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है, वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है। हमारे राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत नियम कानून बनाए, और कुछ नियम कानूनों में तो आपको न्याय की भीख मांगने का हक भी छुड़ा लिया। हम लोग जो है महंगाई और कर की जो है ना बोझ में दबे जा रहे हैं, और यदि आप देखें तो जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें सब चीज बदल जाएगी, लोग बाग अपने दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, ऐसा सिस्टम होगा। जी कोई भी भिखारी व्यक्ति, जो कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, जी सिस्टम स्वयं पहुंच के उसे भोजन देगा। जी बल्कि भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति जो है, सभी व्यक्ति जो है ना समृद्ध हो जाएंगे। और भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व जी गुरु बन जाएगा। बिल्कुल उन्होंने तो यहां वही तक कहा है कहने कि का मतलब मिला कि उन्होंने तो यहां तक कहा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो है दफ्तर जो है वो भारत जी पहुंच जाएगा, है? जी वो तो साफ शब्दों में कहे हैं कि आगे चलकर बच्चू भारत विश्व गुरु बनेगा और हिंदी और संस्कृत में संविधान होंगे और पूरे विश्व में ये हिंदुस्तान का ही संविधान पूरे विश्व में चलेगा। तो अब वैसा होने वाला है, और इसका बहुत आसान मॉडल मैंने निकाला है कि हम संगोष्ठियां करें। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैंने जय गुरुदेव मिशन के साथ पाई है कि आप लोग जो है हर संडे को कहीं ना कहीं बैठते हो, कहीं ना कहीं सत्संग होता है, बाबा जी के जो भविष्यवाणियां हैं, बाबा जी के जो प्रवचन हैं, उन्हें सुनाया जाता है और उन्हें दोहराया जाता है, राइट? अब इसी व्यवस्था में हम एक काम ये कर लें कि अपने मोबाइल को ही स्पीकर पे लगा के, और जो वीडियो और ऑडियो क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल पर हैं और जो आपको अच्छे लग रहे हैं, यदि एक वीडियो शुरू में और एक प्रवचन के बीच में और एक प्रवचन के बाद में यदि दिखाए जाएं और सुने जाएं,
और फिर आपस में चर्चा करके जो लोग सदस्य के रूप में जुड़ना चाहें वो सदस्य के रूप में जुड़ जाएं, और जो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ना चाहें वो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ जाएं। सदस्य के रूप में जुड़ने के लिए 90 लोगों के संकल्प को पूरा करें, और चंद्रगुप्त तो एक कंपटीशन है, तो वो जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो वो कंपटीशन में जो ऊपर के जो लोग होंगे, जितनी विधानसभा की सदस्यों की संख्या होगी उतने लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। अभी हमें ये परिवर्तन इसी व्यवस्था के तहत लाना होगा, लिहाजा उसके लिए भी क्राइम फ्री भारत ने एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक जो है ना क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए हैं, वो राजनीतिक पार्टी जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके जाएगी, जिसमें मैथिली शरणगुप्त के हस्ताक्षर होंगे कि आपने मेहनत करके अधिक लोगों को जोड़ के आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, और वो साथ में आपको टिकट भी दे देंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन के जो सदस्य हैं जिनकी संख्या 100 करोड़ से ऊपर होगी, वो पहले जो है जब जुड़ रहे हैं वो पहला वोट तो जुड़ते समय ही दे दिया उन्होंने, राइट। और जो बीच के 33 दिन होंगे उस दिन जो है चुनाव घोषणा से वोटिंग के बीच के, उसमें छत पे चढ़ के ताली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प करेंगे, तो वो 33 वोट वो हो जाएंगे। और 35वां वोट होगा जब वो पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन में जो है बटन दबाएंगे अपने चंद्रगुप्त के फेवर में, तो वो फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये क्षुद्र चरित्र के हमारे राजनेता जो तीन तीन चार चार बार से सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री हैं, ना केवल वो पराजित होंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्योंकि जब तक आप जो है ये नहीं करते हो तब तक आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने तो जो है ना गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, इन्होंने तो महंगाई थोप के रखी है, ये तो हानिकारक जो है ना केमिकल्स अपने लोगों पे थोपे हुए हैं, बीमारी का कारण ये स्वयं है, दरिद्रता का कारण ये स्वयं है, आज हर व्यक्ति का जीवन कठिन होता जा रहा है। कौन कहेगा कि भारतवर्ष में पानी पानी भी बिकेगा? और यदि इन हमने नहीं ये कौन तो ये सपने की बात थी। मैं वही कह रहा हूं, और इनकी चली तो ये ऑक्सीजन जो है ना वायु को भी प्रदूषित कर देंगे, तो आगे चल के हमें सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। तो हमें व्यवस्था परिवर्तन तो करना ही होगा। जो जय गुरुदेव जी ने कहा है कि समझ जाओ नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा, तो बुरा हाल तो होने लगा है। अब हमको बीच में पहुंच के लोगों को जगाना है, और मैं आपको SMS से क्राइम फ्री भारत का ऐप का लिंक भेज रहा हूं, तो उससे आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। सेवादार सिंह जी, आप सूबेदार सिंह जी, आप समझ गए हैं बात को। और हम आपको एक YouTube चैनल का भी जो क्राइम फ्री भारत की है जिसमें 2700 से अधिक वीडियो हैं, उनकी भी लिंक भेज रहा हूं, तो आप उसे देखिए और अपने सत्संगियों को आइडेंटिफाई करिए जो लोग जो है सत्संग के समय प्रवचन देते हैं, राइट। उन सभी लोगों को जोड़ दीजिए, तो वो एक या दो वीडियो दिखा के लोगों को प्रवचनों के साथ साथ इस विषय में भी जागृत करेंगे। और जो लोग जो है पर्दे के पीछे सदस्य बन के 90 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उनको वो जिम्मेवारी दे दी जाए, और जो चंद्रगुप्त बन के प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो मतलब चंद्रगुप्त बनेंगे वो मंत्री मुख्यमंत्री और विधायक भी बनेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर वो सांसद मंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो है ना बहुत आसान मॉडल, पूरा मॉडल जी, देख रहे हैं, ये समझ जय रहे गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों के अनुरूप है कि नहीं है? जी। आपने यदि टेलीग्राम डाउनलोड ना किया हो तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप जो है टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर दें, और मुझे इसी नंबर पे हेलो भेज दें अपना नाम लिख के, तो हम उसे जो है ना आपको अपराध मुक्त भारत के ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आप अपने विचारों से भी लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे, और हम आपके विचारों से भी लाभान्वित हो पाएंगे, और आप हमारे विचारों से लाभान्वित हो पाएंगे। और हम इसी चैनल के माध्यम से, इसी ऐप के माध्यम से जय गुरुदेव जी के जो है ना प्रवचन बाणियां
वो भी जन जन तक पहुंचा पाएंगे, तो हम जो है और फास्ट जो है ना जय गुरुदेव जी का संदेश जन जन तक पहुंचा पाएंगे। तो सुविधा सिंह जी आप बताइए, कितने आप सहमत प्रतीत हो रहे हैं? जी बात तो आपकी बहुत अच्छी है, ऐसी बात तो है नहीं। इसमें और इसमें इसमें पांच जी पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं। इसमें फिर भी आपका ये वैचारिक क्रांति का एक मतलब साधारण और सीधा तरीका भी है। इसमें केवल वैचारिक क्रांति ही नहीं है, वो मॉडल है जिसके तहत हम जो है इन राजनेताओं को पराजित करते हुए जो गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थुपी है उसको बदल पाएंगे, अपराध मुक्त भारत को जमीन पे उतार पाएंगे जिसमें बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए 3 से 30 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट होके न्याय मिल जाएगा, और आगे चल के अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा, और सभी अपराधियों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा, रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, पुनर्वासित कर दिया जाएगा। जी तो ये है ना बहुत सरल, और आगे चल के जो है ना टैक्स भी नहीं होगा, तो टैक्स की मार नहीं होगी, कोई गरीब नहीं होगा, सभी लोगों को निरोगी और दीर्घायु बनाया दिया जाएगा। इसके बहुत सारे मॉडल डेवलप कर लिए गए हैं जिन्हें जमीन पे उतार दिया जाएगा। अभी जो जी गायें हैं उनकी संख्या 10 गुना बढ़ेगी, तो गौ हत्या तो छोड़ ही दीजिए, गायों की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी, और गायों के जी माध्यम से ही जमीन को फिर से उर्वरक बनाया जाएगा। क्योंकि यदि आपने इनको सुना है गवर्नर राजस्थान को आचार्य देवव्रत जी जी ने, तो उन्होंने बहुत रिसर्च जी की है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़कर, और जी उन्होंने ये सिद्ध किया है कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी की सेहत सुधार देंगे, और जी जो बिना दूध देने वाली गाय है देसी गाय है उसमें तो 1 ग्राम में 500 करोड़ जो है जीवाणु होते हैं। तो जी सही मामले में देखा जाए तो दूध देने वाली गाय से जो गाय दूध नहीं दे रही है वो हमारे लिए ज्यादा बेशकीमती है, और जी यही कारण है कि गाय के जो है ना कहते हैं कि शरीर में विभिन्न देवी देवता बैठे हैं और लक्ष्मी जी गोबर में विराजित हैं, तो ये सही बात है कि लक्ष्मी गोबर में विराजित हैं और देसी गाय के गोबर में विराजित हैं, और उसी से समृद्धि का रास्ता होके निकलता है, और उसी से जो है हम रासायनिक विष को खत्म कर पाएंगे। अदरवाइज जहां पर भर भर के केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाला जा रहा है वहां हर घर में कैंसर हो गया है, ढेर सारी कैंसर ट्रेन चल रही है वहां पर। ये जानकारी में शायद आपके होगा मेरे ख्याल से। जी, वो तो सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत देखते ताकते रहते हैं हम लोग। और वैसे तो भाई साहब देखिए, भाई पहली मुलाकात हमारी आपकी, हमने थोड़ा बहुत देसी दृष्टिकोण का आदमी हूँ ना, तो और मालिक के दौरे से। आप जो है एंड्रॉइड स्मार्टफोन का यूज करते हैं या बटन वाले फोन को यूज करते हैं? नहीं सर जी, बटन का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन भैया है कि भाई नई मोबाइल हमको बच्चे दिए हैं ले लेकर के। नहीं बहुत अच्छा किया, नहीं तो मैं आपको सलाह देने वाला था कि आप आज ही खरीदिए। वो बच्चे थोड़ी दिक्कत हो अच्छा, रही थी हमसे बातें और उसमें करने 3 ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, एक टेलीग्राम ऐप, तो ये ऐप डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल प्ले स्टोर पे जाना होता है, राइट? तो गूगल में। प्ले स्टोर को क्लिक करिए और उसमें टेलीग्राम लिख दीजिए, या आजकल तो मुंह से बोल के भी हम टेलीग्राम कह सकते हैं, तो वो ऐप आ हाँ सर जाएगा। जी, ऐसा है कि हम आपको थोड़ा सा शाम में फोन करेंगे, जब बच्चे रहेंगे ना, हाँ तो अभी अभी तो अभी हमको नया नया दिए हैं इसको, थोड़े हाँ तो समय हुआ उनको है। उनको उनको आप लिख लीजिए, एक टेलीग्राम को डाउनलोड कर दें, दूसरा जो है यूट्यूब को डाउनलोड कर दें, और तीसरा जो मैं लिंक भेजूंगा उसको क्लिक करके उसमें फोटो डाल के अपने बारे में लिख के और अपना पिन कोड डाल के, पोस्टल पिन कोड जो होता है उसको डाल के आप जुड़ जाइए, और फिर अपनी प्रोफाइल से लोगों को जोड़िए, तो स्वयं जी सदस्य का संकल्प पूरा कर पाओगे और चंद्रगुप्त का संकल्प भी यदि इच्छा है तो वो भी हासिल कर पाओगे। चलिए और ठीक है सबसे सर बड़ी जी। बात यह है कि युग प्रतन परिवर्तन में आपकी भूमिका बन पाएगी, और यही कार्रवाई आप जो है सभी सत्संगियों से के साथ कराइए, समय कम है, हमें हर व्यक्ति जी तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है सर जी। वैसे तो बताए हैं कि थोड़ा सा हम भी बताएं, बहुत देसी दृष्टिकोण के आदमी हैं, और हम तो थोड़ा BHU के डॉक्टर हैं, जी और जो ये महात्माओं की वाणियां हैं जिसको लोग अंधविश्वास कहते हैं, तो ये उसको तो दूर करने के परिवर्तन आप लिए खुद ही देख पाओगे। देखिए,
वो परिवर्तन होना भी चाहिए। अदरवाइज बताइए, क्या क्या हमारे देश के राजनेताओं को अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखना चाहिए क्या? अरे सर जी, इसके बारे में तो हम लोगों ने, जब हम लोग दिल्ली गए 2014 में, तो चुनाव जो हुआ था, और उस समय हम लोग गए थे आपका सीबीआई जांच मांग करने के लिए। हम महीनों, 2-6 महीने रुके रहे दिल्ली में हम लोग। तो उस समय हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, दिल्ली में चुनाव आयोग को लिख करके दे करके। तो हम लोगों ने पर्चा छपवाया था, शायद आपको पर्चा भेजेंगे तो आप देख समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। आप जरूर मुझे भेजिए, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम पे ही भेज देना मुझे, ठीक है? क्योंकि ठीक है ठीक है, पर्चा हम तो आपको मैं देंगे तो व्हाट्सएप का भी। यूज नहीं करता हूँ, तो व्हाट्सएप पे मत भेजिएगा, टेलीग्राम पे जी जी ठीक भेजिएगा, ठीक है ना? है सर जी, उस पर हम आपको खोज कर निकाल के और भेज शाम को जब देंगे। आपके बच्चे होंगे तो उनके सामने मेरी बात करा देना। वैसे तो जी आप जी खुद भी जी डाउनलोड कर पाओगे, गूगल प्ले स्टोर होता है जिससे अपन ऐप डाउनलोड करते हैं, और उसमें जी आजकल जो है ना स्पीकर का भी होता है, तो आप स्पीकर को दबा के यदि टेलीग्राम कहेंगे तो टेलीग्राम ऐप आ जाएगा, ठीक है ना? आप जो है ना यूट्यूब कहेंगे तो यूट्यूब आ जाएगा, राइट? उसको डाउनलोड कर लीजिए। और तीसरा तो हम लिंक भेजेंगे, तो लिंक से अपने आप आपका जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसमें फोटो लिख दी डाल दीजिए अपना, अपने बारे में 2-4-6 लाइन लिख दीजिए, अपना फोटो डालेंगे तो झूठ दिख ही जाएगा उसमें, और अपना पिन कोड तो डाल सर जी, के तो जो आपका ये है मतलब क्राइम वाला, तो क्राइम फ्री भारत हाँ, मिशन। हाँ तो इस पर आपका तो रजिस्ट्रेशन कराए होंगे ना? क्योंकि हाँ हाँ सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, भाई बिना रजिस्ट्रेशन से तो कोई सब कुछ है, आगे सब कुछ है, सब कुछ कोई है। भी और उस रजिस्ट्रेशन, वैसे भी ये मिशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं। अलग है जो कि नहीं सर जी, एक जिस चीज हम कहना चाहते हैं, जैसे कि यदि हम अपने जनता के बीच में अगर कोई बात अपनी पहुंचा रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो जनता के बीच में पहुंचाने के लिए तो हमें कुछ में तो अपना अधिकार लेना पड़ता है, बोलने का ना, या कहने का, सुनने सुनाने तो का। ये क्राइम फ्री भारत मिशन है, 2700 से अधिक वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप यदि हमारे जी वीडियो ही सुना देंगे तो जैसे बाबा जी का सत्संग है वैसे ही उसमें जो है ना इसको भी सुना दीजिए, तो लोग जी बाकी जी समझ पाएंगे कि इसमें कैसे जो है ना बाबा जी की भविष्यवाणियां जो है ना जमीन पे अवतरित हो रही हैं। जो आपका जी सत्संगी व्यक्ति है जो प्रवचन जी वाला, वो और अच्छे तरीके से समझ के लोगों को और आसानी से समझा दे। हाँ, वो तो सर जी हमने पूरा लिस्ट तैयार किए, मालिक भविष्यवाणी बोले हैं और कितनी कितनी पूरी हो गई है, कितना पूरे हुए कगार पर चल रही है, कितने अभी आगे की संभावना बनी है, ये लगभग 127 हमने नोट किया है अपने डायरी में। और उसमें जो पूरा हुई वो अलग किए हैं, जो पूरा होने की संभावना, जो चल रही वर्तमान उसको अलग किए हैं, और अभी जो आगे अपन आने को की जो संभावना सबसे बड़ी भविष्यवाणी पे विचार करना जी चाहिए वो युग परिवर्तन जी और व्यवस्था परिवर्तन की है, जी जिससे जो नेगेटिव चीजें हैं वो विलोपित हो जाएं। यदि जी जी हमने ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया तो जो उन्होंने नेगेटिव भविष्यवाणियां हैं कि ये दंड मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इमारतें उछल जाएंगी, वो सब होने जी लगेगा। लेकिन यदि हम व्यवस्था परिवर्तन करके युग परिवर्तन कर देंगे तो वो जो है नेगेटिव लीला जो है वहीं समाप्त हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि युग परिवर्तन और भाई व्यवस्था परिवर्तन होते ही फिर नेगेटिव चीजें नहीं होंगी ना, फिर तो पॉजिटिव चीजें होने लगे। जब मालिक ने कहा कि जब मेरी बात को नहीं मानोगे तो, अब मान गए तो ठीक है, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा भैया ना। तो ये मानो, ये इस बात को मानो और जुड़ो, और इसलिए तो जो है ना उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को जो है ना हमेशा प्रेरणा देते रहे, नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि जय बाबा गुरुदेव क्या है। मैं जय बाबा गुरुदेव को नहीं जानता था, मैं आपको बता दूं, ठीक जी जी है ना? तो मुझे तो जो है ना अभी पिछले 1.5-2 महीने में ही जो कुछ मालूम पड़ा है वो ही है, ठीक है ना? तो जी जी ये इसका मतलब है कि बिना जाने आपसे जय गुरुदेव जी इतनी सारी काम करा रहे थे ना, जी तो ये उनकी प्रेरणा ही थी, तो नहीं तो जो है ना ये कोई संयोग नहीं हो सकता है कि उनकी सभी भविष्यवाणियां आपके क्राइम फ्री भारत में उतरी हैं, तो ये संयोग नहीं हो सकता है, ये उनकी उनकी कहीं ना कहीं उनका ही इच्छा शक्ति पीछे से काम कर रही थी। जी चलिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और ये हमारी वार्तालाप भी जो है ये क्राइम फ्री जी भारत यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने जी जिन साथियों के पास जो है ये स्मार्टफोन नहीं है, बहुत महंगा नहीं आता है, 2-2.5 हजार में आने लग गया है आजकल, तो उनसे जरूर खरीदवा दीजिए, क्योंकि जी युग परिवर्तन का रास्ता इस छोटे से डिवाइस से होके ही निकलने वाला है, जी और सभी लोगों की सहभागिता भी उसमें हो सकेगी। तो जी इसे एक महत्वपूर्ण खर्च मान लिया जाए, या जो है कुछ कंपनियों से संपर्क करके
यदि लोगों को ईएमआई पे दिलाना हो तो ईएमआई पे दिला लिया जाए, लेकिन सभी के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच जाए ये जरूर संकल्प ले लिया जाए। जी, इससे जो है वो सब लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, उन तक जो है जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां और आवाज और वो पहुंच पाएंगे, और वो जो है क्राइम फ्री भारत से जुड़ भी पाएंगे और स्वयं सदस्य और चंद्रगुप्त की भूमिका भी निभा पाएंगे। ठीक जी है, तो ठीक है सर जी। अब फोन को रखा जाए। जी सर जी, चलिए जय हो। सुविधा सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आपने फोन लगाया। और एसएमएस में हम आपको लिंक भेज रहे हैं, तो लिंक से आप क्लिक करके जुड़ जाइए, आगे की बात हम फर्दर बात वार्तालाप करते रहेंगे तो उससे करेंगे। और यदि आपके मोबाइल में अभी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है तो उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।